देखा, मैं जीत गया। देखा, मैंने कहा था ना कि मैं ही जीतूंगा। माँ, जीत तो आपकी हुई नहीं, फिर भी आप इतनी प्रसन्न क्यों हो रही हो? वो इसलिए पुत्र, क्योंकि मेरे लिए प्रतियोगिता का उद्देश्य मात्र प्रतियोगिता जीतना नहीं था। तो फिर? इस प्रतियोगिता में भाग लेने से मुझे मेरे अपनों के साथ सुखद समय व्यतीत करने का अवसर मिला और उसी से मेरा मन इतना प्रसन्न हो रहा है। तो क्या माँ, किसी भी प्रतियोगिता में जीतना आवश्यक नहीं है? प्रतियोगिता में जीतना अति आवश्यक है पुत्र, किंतु उससे भी अधिक आवश्यक है प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की इच्छा शक्ति, जिसके लिए हमें भरपूर परिश्रम करना चाहिए। और फिर यदि प्रतियोगिता में जीत गए तो अति उत्तम, किंतु यदि किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ जाए तो हौसला नहीं खोना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए माँ? हमें उस हार से शिक्षा लेकर अपनी कमियों को दूर करने का अथक प्रयास करना चाहिए और पुनः दुगने उत्साह के साथ खेल के मैदान में उतरकर प्रतियोगिता में जीत कर दिखाना चाहिए। और हाँ, हमें ना तो कभी अपने विजय का अहंकार करना चाहिए और ना ही अपने हार के सामने हार माननी चाहिए। तो अब बताओ, कल प्रतियोगिता में जाकर क्या करोगे? मारुति कल प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी करेगा और खेल का आनंद भी उठाएगा। हे प्रभु, मेरे परिवार की प्रसन्नता को कभी किसी की कुदृष्टि ना लगे। कब सुबह होगी और कब वो महंतम केसरी पुत्र को यहां मेरे पास लेकर आएगा? आजा केसरी नंदन, मेरे आनंद धन। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्मरण है ना सखा, कल प्रतियोगिता है, कल प्रातः होते ही मुझे उठा देना। और स्मरण रखना सखा, भूलना नहीं।
मेरा प्रिय पुत्र, जागते हुए अपनी नटखट बातों और चेष्टाओं से मेरा मन मोहता रहता है। और अब निद्रा देवी की गोद में विश्राम करते हुए भी कैसे अपनी मोहिनी मुस्कान से मेरे हृदय के शांत सागर में हलचल पैदा कर रहा है। प्रिय, अपने सोते हुए पुत्र से क्या बात कर रही हो? प्रिय, जागते हुए ये नटखट इतना अवसर ही कहां देता है कि मैं इसे जी भर के निहार सकूं। किंतु तुम ही तो मुझे समझाती हो कि सोते हुए संतान को निहारने से माता पिता की दृष्टि लगने का भय होता है। ठीक है, अब तुम भी सो जाओ, अन्यथा मुझे भी तुम्हें प्रेम लोरी सुनाकर सुलाना पड़ेगा। और यदि आपकी लोरी सुनकर हमारे पुत्र की निद्रा टूट गई तो? आपकी प्रेम लोरी सुनना तो दूर की बात, हमें शांति से सोने भी नहीं देगा। अंजने, ये विचित्र ध्वनि कैसी? अंजना भी कक्ष में नहीं है, कहां चली गई? प्रिय,
लिए? अर्धरात्रि में ऐसा क्या आवश्यक कार्य आ गया प्रिय जो हम पिता पुत्र को? ये क्या लिखा है प्रिय? ये मेरी उन कामनाओं की सूची है जो मैंने हमारे पुत्र के उज्जवल भविष्य के लिए सोचा है। हमारा पुत्र जो भगवान शिव की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, मारुति के अद्भुत चमत्कारों के हमारे साथ समस्त सुमेरु वासी भी साक्षी हैं। उसके उज्जवल भविष्य पर तुम्हें संदेह है प्रिय? नहीं आर्यपुत्र, मुझे अपने पुत्र की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं। किंतु मैं मां के हृदय को कैसे समझाऊं? देखूं तो क्या लिखा है तुमने? मारुति को अतिशीघ्र अन्न प्राशन कराना और उसे उसका प्रिय फल सेब अवश्य खिलाना। प्राणियों का आचार विचार, भावना, आकांक्षा और अंतरात्मा पर उनके द्वारा खाए जाने वाले अन्न का अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए संपूर्ण विधि विधान से अन्नप्राशन संस्कार कराने से हमारे पुत्र के मुख में जाने वाला अन्न का प्रत्येक दाना परिश्रम से अर्जित और प्रेम पूर्वक पकाया होगा, साथ ही ईश्वर का आशीर्वाद भी परिपूर्ण होगा। मारुति के लिए तुम्हारी कामनाएं प्रशंसा योग्य हैं, किंतु ये उसके बीच में सेब कहां से आ गया? क्या आपको स्मरण नहीं आर्य पुत्र, जन्म के दूसरे दिन ही मारुति सेब को देखकर कितना उतावला हो गया था। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। सत्य कहा प्रिय, किंतु मैं जब मारुति को जब उसका प्रिय फल सेब खाने के लिए रोकता हूं ना, तो मेरा हृदय भी दुखता है। मारुति का उपनयन संस्कार करवाना। हाँ, शास्त्रों में विदित है शिशु का पहला जन्म मां के गर्भ से होता है और दूसरा जन्म यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात। मां के गर्भ से जन्म लेने के उपरांत पूर्व जन्मों के संस्कारों का प्रभाव शेष रहता है। यज्ञोपवीत संस्कार शिशु के अच्छे संस्कारों के प्रभाव को स्थायी करने में सहायता करता है और ये संतान के लिए अत्यंत शुभ होता है। यज्ञोपवीत संस्कार के उपरांत ही संतान शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनती है। क्या हुआ आर्यपुत्र, क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं कि पिता होने के नाते मैं अपने पुत्र के बारे में ये सब क्यों नहीं सोच पाया। Ha 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 ha!
मारुति को शिक्षा ग्रहण करने के लिए सर्वोत्तम गुरु के पास भेजना। फिर तो निश्चित ही तुमने सर्वोत्तम गुरु का चयन कर लिया होगा। कौन है वो गुरु? जो प्रत्यक्ष देव है, जो सर्वव्यापी है, जिनके प्रकाश के बिना जीवन चक्र रुक जाता है, प्राणियों को मोक्ष देने वाले स्वयं भगवान सूर्य, उनसे उत्तम गुरु हमारे पुत्र के और कौन हो सकता है? अति सुंदर प्रिय, इसी कारण भगवान शिव ने अपने अंश को तुम्हारे गर्भ में प्रकट किया। मुझे तुम पर गर्व है प्रिय। मैं इतनी भी प्रशंसा के योग्य नहीं हूँ आर्यपुत्र। भोले शंकर ने यदि मुझे मारुति की माँ होने का सौभाग्य दिया है, तो आपको भी तो मारुति के पिता होने का अधिकार दिया है। सो तो है। मारुति को भगवान विष्णु के अवतारों और श्रीराम की कथा सुनाना, ताकि बाल्यावस्था से ही मारुति की ईश्वर भक्ति के प्रति रुचि जागे। भगवान विष्णु की कथा तो ठीक है, परंतु श्री राम की कथा? स्मरण कीजिए, गौरी और उनके गैया ने राम नाम से संबंधित प्रश्न के उपरांत हमें क्या बताया था? भगवान भोलेनाथ के इच्छा अनुसार तुम्हारे पुत्र का जन्म विष्णु अवतार श्री राम की सहायता के लिए हुआ है। युवराज का जन्म तो बड़े बड़े कार्य करने के लिए हुआ है। इनके चमत्कारी कर्तव्यों पर तो सारा संसार चकित और मोहित रह जाएगा। किंतु प्रिय, क्या तुम्हें ज्ञात है कि श्री राम कौन है और उनकी कथा क्या है? हमारे पुत्र के उज्जवल और मंगलमय भविष्य के लिए हमें इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा कि श्री राम कौन है, राम कहाँ है, राम कहाँ है, राम कहाँ है। पिताश्री, हमारे पुत्र के लिए तुम्हारी पांचवी कामना क्या है प्रिय? ऐसे क्या देख रही हो प्रिय? मेरी पांचवी कामना ये है आर्य पुत्र, कि जैसे आपने मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार कर मुझे मारुति की माँ बनने का सौभाग्य प्रदान किया, अपना पितृ ऋण चुकाया है, ठीक वैसे ही पुत्र मारुति भी सही समय आने पर विवाह बंधन में बंध कर अपना पितृ ऋण चुकाए और हमारी वंश बेल को आगे बढ़ाए। Thank you.
पिताश्री। मारुति ने आपको हर स्थान पर ढूंढा और आप यहाँ हैं प्रभु के घर पे। अभी प्रभु के विश्राम का समय है। आपकी वार्तालाप से प्रभु के नींद में विघ्न पड़ रहा होगा। चलिए ना माँ, आपके यहाँ रहने से प्रभु के और मारुति की निंद्रा में विघ्न पड़ रहा है। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मैं सचमुच धर्म के मार्ग से भटक तो नहीं गया? माता, माता। मानतम वाली को धर्म सत्मार्ग सत्य जैसे दुर्बल विचार शोभा नहीं देते। धर्म प्राणी को भयभीत करने का माध्यम है। सतमार्ग की खोज वो करते हैं जिनके जीवन में कोई महान लक्ष्य नहीं होता। सत्य की बैसाखी का सहारा वो लेते हैं जिन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास नहीं होता। महानतम वाले जिस मार्ग पर चल रहे थे वही मार्ग उसके लिए श्रेष्ठ है। किंतु यदि सचमुच उस मरकट का जन्म भोलेनाथ की कृपा से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है तो? इस संसार में प्रत्येक जीव किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही जन्म लेता है। तुम्हारे जीवन का भी एक उद्देश्य है।
क्या महानतम वाली अपने उद्देश्य को भूल गया है? स्मरण करो, महानतम वाली की जीवन का उद्देश्य क्या है? स्मरण करो, स्मरण करो। इस समग्र विश्व का कोई भी योद्धा मेरी टक्कर का नहीं है, और हां, ये मेरी चुनौती है। क्या कुछ स्मरण आया? सर्वश्रेष्ठ योद्धा वाली, महानतम योद्धा वाली, कभी किसी से पराजित ना होने वाला वाली, तो फिर अपने दुर्बल विचारों को अभी इसी क्षण त्याग दो और पूरा करो अपने महानतम योद्धा बनने का लक्ष्य। तो चलो आगे बढ़ो और मिटा दो अपनी राह में आने वाली हर बाधा को। मैं महानतम था, मैं महानतम हूं और मैं महानतम रहूंगा, और संसार सदा मुझे इसी नाम से जानेगा। मैं महानतम, महानतम वाली। वाली देवराज इंद्र का अंशावतार होकर भी इतना बड़ा दुष्ट कैसे हो गया? पर किष्किंधा नरेश ऋक्षराज से वाली और सुग्रीव का क्या संबंध है, और वे दोनों भाई कैसे हुए? किष्किंधा नरेश ऋक्षराज से वाली और सुग्रीव का नाता जितना विचित्र था, उतनी ही विचित्र है इन दोनों भाइयों के जन्म की कथा। वस्तुतः ऋक्षराज ब्रह्मदेव के मानस पुत्रों में से एक है। विवाह के कई वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी जब ऋक्षराज और उनकी पत्नी बिरजा को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, तब शोक से भरे ऋक्षराज को ब्रह्मदेव ने अपने द्वारा प्राप्त एक अद्भुत झील के विषय में बताते हुए कहा कि हिमालय के उत्तर में मेरे द्वारा वरदान प्राप्त एक अद्भुत झील है। उस झील की विशेषता यह है कि उसमें अपना प्रतिबिंब देखकर जो भी इच्छा की जाए तो अवश्य वो इच्छा तत्क्षण पूरी हो जाती है, किंतु स्मरण रहे, भूल कर भी उस झील के जल का स्पर्श नहीं करे। मुझे भी सूर्य देव और इंद्रदेव जैसे प्रतापी पुत्रों की प्राप्ति हो। ब्रह्मदेव द्वारा वरदान प्राप्त उस अद्भुत झील को देखकर ऋक्षराज अपने पिता की दी हुई चेतावनी को स्मरण ना रख सके और एक नारी के रूप में परिवर्तित हो गए। झील को मिले वरदान वश मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ ऋक्षराज। प्रभु, क्या मुझे आजीवन इसी नारी के रूप में रहना होगा? ऋक्षराज, तुम और मैं तो निमित मात्र हैं,
यह एक दैवी लीला है, परंतु इसका समाधान भी है। चिंतित मत हो, अपनी इच्छा पूर्ति के पश्चात पूर्णमासी के दिन इस झील के जल को पुनः छूने से तुम्हें अपने वास्तविक रूप की प्राप्ति हो जाएगी। अब तुम अपना हाथ आगे बढ़ाओ। तुम्हारा यह पुत्र वाली के नाम से प्रसिद्ध होगा। वाली? अभी तो तुम्हारी अर्ध इच्छा ही पूरी हुई। मैं सूर्यदेव तुम्हारी इच्छा पूर्ति हेतु प्रस्तुत हूँ। झील में देखकर तुमने मेरे जैसा तेजस्वी पुत्र पाने की कामना की थी। अपने हाथ आगे बढ़ा। तुम्हारा ये पुत्र सुग्रीव के नाम से प्रसिद्ध होगा। सुग्रीव? वाली तो देवराज इंद्र के पुत्र थे, तो देवराज अपने पुत्र को समझाते क्यों नहीं? माता पिता का कर्तव्य होता है अपनी संतान के लालन पालन में किसी भी प्रकार की कमी ना होने दें। अच्छी शिक्षा दीक्षा, अच्छा आचार विचार, अच्छा आहार व्यवहार, ये सब माता पिता का उत्तरदायित्व है। परंतु संतान अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी होती है। प्रतियोगिता है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर्मध्ये सरस्वती, कर्मूले स्थितो महागौरी, प्रभाते कर दर्शनम्। We'll be right back.
अब देखना मारुति क्या करता है। लगाऊंगा उपटन, बहुत आनंद आएगा। जल है ही नहीं, अब मारुति क्या करेगा? मारुति को तो भरने के पश्चात अत्यंत विलंब हो जाएगा। पुत्र मारुति प्रातः उठते कहाँ चला गया? महानतम वाली के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सा शस्त्र श्रेष्ठ रहेगा? श्रेष्ठ गदा ही सही रहेगी। अब आएगा केसरी नंदन मेरे आमोद वन। Thank you.
वाले भैया। वाले भैया, वाले भैया, पुत्र मारुति प्रातः उठते कहाँ चला गया? मारुति की हंसने की किलकारियां तो स्नान गृह से आ रही है। हे शिव शंकर, ये किसने किया? कहीं सुमेरो राज्य पर कोई बवंडर तो नहीं आ गया जो स्नान ग्रह से होकर ही चला गया? माँ, ये सब मारुति ने किया है। किंतु पुत्र, तुम हो कहाँ? माँ, यहाँ पर्दे के पीछे। प्रातः उठकर स्वयं स्नान भी कर लिया, लेकिन ये उतावलापन किस लिए पुत्र? माँ, आपका पुत्र मारुति एक प्रतियोगिता के लिए जा रहा है, किंतु माँ, मारुति इसे पहन क्यों नहीं पा रहा है? मैं पहना देती हूँ। यदि आज प्रतियोगिता में वो मरकट वृक्षासुर तक पहुंच के भी उसके चंगुल से बच गया, तो मैं महानतम अपनी इस अद्भुत गदा से समस्त विधि के विधान को बदल कर रख दूंगा। दुख नहीं होता जब गुरुजी के लिए पुष्प चुनने में तुम्हारे मित्र उस मारुति की सहायता लेते हैं? तुम्हें उस मारुति नामक मरकट को उसके सही स्थान तक पहुंचाना होगा।
अब समझ में आया भैया पाठशाला क्यों गए थे। यानी भैया मारुति के मित्र को माध्यम बनाकर उस क्रूर राक्षस वृक्षासुर के हाथों मारुति की हत्या करवाना चाहते हैं। भैया चलो दूर हो जाओ मेरे सामने से। मैंने सब सुन लिया है। तुमने क्या सुना क्या नहीं इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। अंतर तो पड़ता है भैया, आप जो कर रहे हैं उसकी क्षतिपूर्ति हम सबको करनी पड़ेगी, और आपके दुष्कर्मों के प्रभाव से न केवल आपकी प्रतिष्ठा बल्कि पूरे किष्किंधा का मान सम्मान धूल में मिल जाएगा। क्या यही चाहते हैं आप? किष्किंधा के मान सम्मान की चिंता तो मुझ महानतम पे छोड़ दो सुग्रीव, और तुरंत हट जाओ मेरे मार्ग से। आज मेरा पुत्र विजयी हो। महान, और आप उस अभोर बालक मारुति को उस क्रूर राक्षस वृक्षासुर के हाथों में सौंपने को आप महानता मानते हैं? तुम अपनी चिंता करो सुग्रीव, मैं महानतम क्या कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ इन सब से तुम दूर ही रहो तो तुम्हारे हित में होगा। उस भोले और निश्चल बालक के लिए आपके मन में इतनी घृणा पालना आपको कितना छोटा बना दिया है भैया। और जब आपका ये छोटापन सारे संसार के सामने आएगा तब क्या होगा? क्या कभी इसके बारे में भी सोचने का प्रयास किया है आपने? जब किसी को कुछ पता चलेगा तब तो कुछ होगा ना। आप चाहे जितना भी छुपा लो किंतु सत्य अंत में सबके सामने आ ही जाता है। तो जान लेने दो सबको कि मुझ महानतम से बैर लेकर यहां कोई भी सुरक्षित नहीं रह सकता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावम भवानी सहितम नमामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
मुझे शीघ्र ही जाना होगा। माँ, मैं प्रतियोगिता के लिए जा रहा हूँ। अभी भी समय है भैया, स्वयं को महान बनाने से पहले अपने कर्मों को महान बनाओ। तुम कहना क्या चाहते हो सुग्रीव, स्पष्ट कहो। कहना नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ, उस बालक मारुति ने आपका क्या बिगाड़ा है कि आप उसके प्राण हरने के लिए उसके मित्रों के प्राणों को भी दांव पर लगा रहे हो। तुम्हारी बातों में तनिक भी सत्यता नहीं है, ये सब असत्य है। सब सत्य है भैया, मैंने स्वयं सुना था जब आप उस भोले भाले नील को मारुति के विरुद्ध भड़का रहे थे और बालकों के सामने मारुति को प्रतियोगिता के लिए आमंत्रित कर रहे थे। बालकों के बीच प्रतियोगिता, इसमें क्या अनुचित है? अनुचित यह है कि आप ये प्रतियोगिता शमशादन वन के समीप करवा रहे हैं। क्यों है आपके मन में उस बालक मारुति के लिए इतनी घृणा जिसके कारण आपको वृक्षासुर से मित्रता करने में आपकी और किष्किंधा की भलाई दिखाई दे रही है? ये समय उचित अनुचित देखने का नहीं है, और मैं जो भी कर रहा हूँ वो सब उचित है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता ये सब करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य है वो मरकट। कितनी बार बताया तुम्हें कि स्वयं देवर्षि नारद जी ने कहा है कि भविष्य में तुम्हारे और मेरे बीच कलह होने पर उस मरकट का साथ लेकर तुम मेरे पतन का कारण बनोगे, कारण बनोगे, कारण बनोगे, कारण बनोगे। ये क्या भूल गया मैं? क्या ऐसा कहा था देवर्षि नारद ने? आप चुप क्यों हैं भैया? मैं जानता हूं इस बार आप सत्य कह रहे हैं। बताइए और क्या कहा था देवर्षि नारद ने आपको? हाँ हाँ, इस बार मैं सत्य कह रहा हूं, और यदि तुम पूर्ण सत्य जानना चाहते हो तो सुनो। स्वयं देवर्षि नारद जी ने मुझे उस मरकट के विषय में बताते हुए कहा था कि भविष्य में तुम मेरे विरुद्ध खड़े होगे और उस मरकट का साथ पाकर तुम मेरे विनाश का कारण बनोगे। सुना तुमने? उस मरकट का साथ पाकर तुम मुझ महातम के विनाश का कारण बनोगे। और अब इस बात को भी सुन लो कि मैं महानतम ऐसा कदापि होने नहीं दूंगा। इसीलिए मारुति का जन्म होते ही आपने मुझसे झूठ बोलकर उसके विरुद्ध कर दिया। क्या आपको अपने भाई पर विश्वास नहीं था? हाँ हाँ, नहीं है तुम पर विश्वास, और तुम पर विश्वास करे भी कौन? तुम तो अभी से उस मरकट के गुणगान गाते नहीं थकते, तो भविष्य में मैं तुमसे और क्या आशा कर सकता हूं? यानी आप ये सब किष्किंधा और अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे थे, बल्कि अपने स्वार्थवश कर रहे थे। फिर तो आवश्यकता आने पर आप मुझे भी अपने मार्ग से हटा देंगे, है ना भैया?
तुम तो क्या, यदि विधाता ने भी मेरे मार्ग में आने का दुस्साहस किया तो मैं उसे भी अपने मार्ग से हटा दूंगा, किंतु अपने लक्ष्य तक पहुंचे बिना मैं महानतम वाली चैन से नहीं बैठूंगा। एक भाई सत्य के साथ खड़ा है तो दूसरा असत्य पर आधूढ़ है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे अमावस के दिन वृक्षासुर से अधिक आसुरी शक्तियां वाली में समाहित थी। हाँ प्रिय, राम और रावण कहीं बाहर नहीं, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करते हैं। सुग्रीव अपने हृदय में बसे राम की महिमा को सार्थक करता हुआ सत्य और धर्म के मार्ग पर अग्रसर था। वो तो अपने भाई वाली को भी अपने संग ले चलने के लिए अथक प्रयास कर रहा था, किंतु वाली को राम की महिमा रास नहीं आई। उसने तो रावण के आसुरी ज्ञान को ही अपनाना उचित समझा, इसीलिए वाली के पांव सत्य धर्म और सद्बुद्धि के मार्ग से भटक गए थे। मुझ मान तुमने रुकना कभी सीखा ही नहीं। भैया सीमा अलांगने की कोशिश नहीं करे भैया, और तुम भी मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करो। मैंने कहा तुम भी मुझे रोकने का दुस्साहस नहीं करो। मारुति अभी तक क्यों नहीं आया? मैं भी यही विचार कर रहा हूँ मित्र। मुझे शीघ्र ही पुरानी पाठशाला पहुँचना होगा, कहीं विलंब ना हो जाए। पुरानी पाठशाला, माने कहा था कि मुझसे अनुमति लिए बिना राजभवन से बाहर मत जाना। मुझे शीघ्र ही उनसे अनुमति लेनी होगी। पुरानी पाठशाला, माने कहा था कि मुझसे अनुमति लिए बिना राजभवन से बाहर मत जाना। मुझे शीघ्र ही उनसे अनुमति लेनी होगी। दाइमा, आप दूध लेकर यहाँ आ गई? मारुति दूध पीकर नहीं गया? माँ, माँ, माँ,
क्या मारुति प्रतियोगिता के लिए राजभवन से बाहर? पहले मारुति आज्ञाकारी बालक की तरह दूध पिएगा, तत्पश्चात माँ मारुति की कोई भी बात सुनेगी। अरे आज मारुति अंजन भी लगवाना भूल गया। सेविका अंजन की डिबिया लाओ। तो की आज्ञा के अनुसार मारुति ने दूध पी लिया। अब माँ क्या मारुति राजभवन से बाहर पुरानी पाठशाला में? हर हर महादेव। ये दर्पण तो रुक जाइए आर्यपुत्र। मारुति को विलंब हो रहा है, उसके सारे मित्र उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बताइए ना माँ, मारुति उसकी प्रतियोगिता के लिए जाएगी नहीं? वहीं पर स्थिर खड़े रहो। यदि तुम्हारा पांव कांच के टुकड़े पर पड़ गया ना तो तुम आहत हो सकते हो। माँ अनुमति। हाँ हाँ जाओ बाहर जाओ। माँ मारुति जाए ना। हाँ तुम जाओ पुत्र, मैं कांच उठवा रही हूँ। माँ आप कितने अच्छे हो। मैं जब तक जीवित हूं आपको मैं ये भूल नहीं करने दूंगा। मैं जानता था उस मरकट के लिए तुम मुझ पर हाथ अवश्य उठाएगा। तो ले अब अपने इस दुस्साहस का स्वाद भी चख ले। ले और ले। मुझ पर हाथ उठाएगा कपटी, देशद्रोही, दुराचारी। क्यों ना आज उस मरकट के स्थान पर मैं तुझे ही मार दूं। ना तू रहेगा और ना ही तेरी उस मरकट से मित्रता होगी, और ना ही सत्य होगी नारद जी की भविष्यवाणी। बस इतना ही बल है। Ugh!
अभी तो बस हाथ उठा है मेरा, और अभी से ये दशा है तुम्हारी, और यदि मेरी प्राण घातक गदा तुम पर उठ गई तो तुम फिर कभी उठ नहीं पाओगे। मुझे जितना मारना है मार लो भैया, किंतु अपनी अंतरात्मा को मत मारो। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा ज्ञान धूर्त पाखंडी। तूने अपने मृत्यु का आह्वान किया है मूड सुग्रीव। किसी निहत्थे और विक्षिप्त पर शस्त्र उठाना मुझ महानतम को शोभा नहीं देता। मुझे रोकने चला था, नल मारुति अभी तक क्यों नहीं आया? मैं भी यही विचार कर रहा हूँ मित्र। मारुति तो एक पालक है, वो कहीं रास्ता तो नहीं भटक गया? हमें उसे अपने साथ ले आना चाहिए था। मरकट मरकट मरकट, तेरी रक्षा के लिए मेरे मार्ग में आने वाले प्रत्येक कंटक को मुझ महानतम वाली ने दूर कर दिया है। वाली, मुझ महानतम के मार्ग में पुनः बाधा। और किस किस को अपने मार्ग से हटाओगे वाली? कौन है जो मुझ महानतम को केवल वाली कह के पुकारने का दुस्साहस कर रहा है? आप? हाँ, मैं इंद्रदेव। मेरे अंश से जन्म लेने के कारण एक प्रकार से मैं आपका महानतम पुत्र और आप मेरे पिताश्री हुए, किंतु आप असमय यहाँ। जिस पिता का पुत्र सत्य मार्ग से विमुख हो जाए उस पिता को समय असमय का बोध ही कहाँ रहता है? बस इन्हीं के समझाने की कमी थी। अब मैं भी तुम्हारे मार्ग में खड़ा हूं, तो क्या तुम मुझे भी अपने मार्ग से हटाना चाहोगे जैसे कि तुमने सुग्रीव के साथ किया? ये आप क्या कह रहे हैं? आप मेरे पिताश्री हैं, मेरे पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। आदरणीय, पूजनीय, कदाचित तभी तुमने अभी तक मुझे प्रणाम नहीं किया।
तो तुमने कर लिया पुत्र, अब परिणाम की बात करें। परिणाम? आप किस परिणाम की बात कर रहे हैं पिताश्री? मैं तुम्हारे दुष्कर्मों के परिणाम की बात कर रहा हूँ वाली। महानतम वाली कहिए पिताश्री। एक छोटे बालक की हत्या की योजना करने वाला कभी भी महानतम नहीं कहला सकता वाली। तुम मुझसे कभी भी कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैं तुम्हारे मन और कुबुद्धि में चल रहे सभी दुर्विचारों को भली भांति पढ़ सकता हूँ। केसरी पुत्र का जन्म भगवान आशुतोष के अनुग्रह से हुआ है, उसे अकेला छोड़ दो, अन्यथा परिणाम अत्यंत भयंकर होगा। युद्ध की चिंता करने वाले योद्धा को महानतम वाली कायर मानता है। आप व्यर्थ ही मेरी चिंता ना करें पिताश्री। पिता होने के नाते तुम्हारे हित और अनहित की चिंता करना मेरा कर्तव्य ही नहीं, मेरा अधिकार भी है। यदि तुमने अकारण केसरी पुत्र को कोई भी हानि पहुंचाई, तो स्वयं मैं देवराज इंद्र भी विधाता के प्रकोप से तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। यदि आप मेरे सबल विचारों को दुर्बल बनाने का प्रयास करने के लिए आए हैं, तो आप भी सुन लीजिए पिताश्री। अपने हित अहित की चिंता करने का सामर्थ्य आपके इस महानतम पुत्र में है। अब आप हट जाइए मेरे मार्ग से। कदाचित तुम्हें ये स्मरण नहीं है मेरे महानतम पुत्र कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं केवल तुम्हारा पिता इंद्रदेव ही नहीं, अभी तू देवराज इंद्र हूँ। कदाचित आपको भी अनुमान होगा कि मैं भी देवराज इंद्र का महानतम पुत्र वाली हूँ, जिसने कभी भी पराजित होना सीखा ही नहीं। और अब आप भी अपने पिता होने का कर्तव्य पूरा कीजिए और मुझ महानतम को विजयी होने का आशीर्वाद दीजिए। मुझे विजयी होने का आशीर्वाद ना देकर अच्छा ही किया, क्योंकि आज जीत मेरी ही होगी और उसका श्रेय भी मुझे ही जाएगा। संसार ये तो नहीं कहेगा कि आपके दिए हुए आशीर्वाद के कारण ही मैं जीत गया। जिसने अपने आप को कुबुद्धि को समर्पित कर दिया हो, उसे विनाश की ओर जाने से कौन रोक सकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमें और फिल्म नहीं करना चाहिए नील, हमें अपनी पुरानी पाठशाला की ओर शीघ्र ही बढ़ना चाहिए। मारुति को अंजन लगाना भूल गई। तुम व्यर्थ चिंता कर रही हो प्रिय, मारुति जब लौट के आएगा तो उसे अंजन लगा देना। किंतु कोदृष्टि का टीका भी, आज मारुति प्रतियोगिता में जाने को इतना उतावला हो रहा था कि ना तो उसने ठीक से स्नान किया, ना ठीक से दूध पिया, और तो और मैं उसे अंजन लगाना भी भूल गई। तुम कहो तो मारुति को अभी बुलावा भेजता हूँ प्रिय,
ताकि तुम उसे अंजन लगा के चिंता मुक्त हो जाओ। आपका पवन वेगी पुत्र मारुति अब तक तो राजभवन से अत्यंत दूर चला गया होगा। रहने दीजिए आर्य पुत्र, जब वो लौट कर आएगा तब मैं उसे अंजन लगा दूंगी। माँ मारुति जाए ना। हाँ तुम जाओ पुत्र, मैं कांच उठवा रही हूँ। माँ आप कितने अच्छे हो। न जाने क्यों आज मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। अंजना को अपने पुत्र मारुति की सुरक्षा की चिंता थी, वहीं वाली अपने भविष्य की चिंता से ग्रस्त था, और मायावी दानव वृक्षासुर अपने शत्रु केसरी नंदन को किसी भी स्थिति में अपना आखेट बनाने की चिंता में व्याकुल था, और सुग्रीव को चिंता थी अपने भाई वाली की, जो निरंतर अधर्म के मार्ग की ओर अग्रसर था। चिंताओं के उस भवर में केवल एक मारुति का हृदय ही था जो चिंता मुक्त था। मारुति का निश्चल हृदय तो प्रतियोगिता के स्मरण मात्र से ही प्रफुल्लित हो रहा था, और प्रतियोगिता में विजय प्राप्ति के लिए अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने के साथ साथ मारुति उसका भरपूर आनंद भी लेना चाहते थे। यह आगे का मार्ग तो इन कटीली झाड़ियों से बाधित है, अब क्या उड़कर हम पुरानी पाठशाला जाएंगे? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो गंधमादन, कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा। आओ मित्रों, मुझे ये हटाने में तनिक सहायता करो। तो कौन कह रहा था यहाँ से आगे जाने का मार्ग नहीं है? चलो ये! आजा केसरी नंदन, मेरा आनंद धन आया। जी जी चकर रे चकर रे चकर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, सुनिए छप छप छपर। जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। छपील दुष्ट दुशील नष्ट नील, हट चल खट बल मटमल खटमल खलनल। जी जी चकर रे चकर रे चकर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। शुभम शुभम शुभ शम शबर, यह जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर, जंगल जीवन जगमग जगर। जंगल जीवन जगमग जगर।
शम शबर यह जंगल जीवन जगमग जगर जंगल जीवन जगमग जगर जंगल जीवन जगमग जगर जंगल जीवन जगमग जगर कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान आपादान संबद विभक्ति ने मारा लच 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 रंग लिंग लुंग लेट तब भूल भय भीत लकार चप चपेट आषाढ़ सावन वैशाख माघ चैत्र जेठ कुछ भी खा लो क्यों कर तपे जंगल जीवन जगमग जगर जंगल जीवन जगमग जगर जंगल जीवन जगमग जगर जंगल जीवन जगमग जगर कौन सा रास्ता सही है ये कि ये अनिल इससे आगे के मार्ग का तो मुझे भी ज्ञान नहीं है अब तुम्हें ज्ञान देने के लिए किसे बुलाएं नील यहां से आगे बढ़ने के मार्ग का ज्ञान मैं तुम्हें दूंगा बस बस ठीक है वहीं रुक जाओ व्यर्थ अपनी स्नेह भावना का प्रदर्शन मत करो प्रतियोगिता के लिए चलें हाँ हाँ चलो चलते चलो सुषेण कितनी विचित्र बात है नानाथ जो वाली तीनों लोकों में देव दानव मनुष्य किसी से भी भयभीत ना होने का अभिमान करता था उसी वाली को हमारे अवोध मारुति के भोलेपन से भय लगने लगा था सत्य कहा प्रिय जिस प्रकार उजाले की उपस्थिति में अंधकार मिट जाता है सत्य के सामने असत्य अपना अस्तित्व खो देता है ठीक उसी प्रकार कपटी और धूर्त प्राणी भी निश्चल हृदय वालों के समक्ष अपना सामर्थ्य खो बैठता है मारुति का निश्चल स्नेह और भोलापन देखकर वाली भी हीन भावना से ग्रस्त होने लगा था इसलिए उसने मारुति से दूरी रखना ही उचित समझा वाली भैया अब और कितनी दूर है वो स्थान चलते चलो सुषेण बस पहुंच ही गए समझो चलो प्रतियोगिता का आरंभ करें हाँ हाँ चलो ये, 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 ये।
वाली भैया, क्या आप भी हमारे साथ प्रतियोगिता में भाग लेंगे? नहीं, मैं महानतम केवल अपने समकक्ष लोगों के साथ ही प्रतियोगिता करता हूँ। हाँ वाली भैया, आपने सत्य कहा। आप अभी मारुति के समकक्ष नहीं पहुँचे हैं। तुम सब यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेने आए हो या हास प्रयास करने? वाली भैया, हम सब प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उसका आनंद भी उठाएंगे। और वाली भैया, ये देखिए, मारुति अपनी माँ का बनाया हुआ अंगवस्त्र भी पहनकर आया है। लाओ। ये अंग वस्त्र मुझे दे दो। ये तो तुम्हें अब प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। मारुति को उसका अंग वस्त्र लौटा दो। मारुति इसे पहनकर ही प्रतियोगिता में भाग लेगा। सर्वप्रथम प्रतियोगिता, तत्पश्चात अंगवस्त्र। मारुति को मां का बनाया हुआ अंगवस्त्र अभी लौटा दो। क्या तुम्हें अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है? हाँ, या कदाचित प्रतियोगिता में हार जाने का भय सता रहा है तुम्हें? पिताश्री ने मारुति से कहा था प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। मारुति अपनी माँ का दिया हुआ ये अंगवस्त्र पहनकर ही प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। ये अंगवस्त्र मुझे लौटा दो। जाओ, नहीं देता। धन्यवाद सखा।
ये तो अब तुम्हें प्रतियोगिता के बाद ही मिलेगा। पहले प्रतियोगिता में विजयी होकर दिखाओ तो यह अंगवस्त्र तुम्हारा। बस बस मैं अब तुम सबको प्रतियोगिता के नियम बताता हूं। चलो से विचलित हो रहा हूँ केसरी नंदन, शीघ्र मेरे पास आ जा, मेरी क्षुधा शांत कर। तू नहीं जानता कि तेरे कोमल कोमल शरीर को चबाने के लिए मेरे जबड़े कैसे कुल मुला रहे हैं। तो नील और मरकट, मेरे कहने का तात्पर्य है नील और मारुति, तो प्रतियोगिता के प्रथम चरण में तुम दोनों को ही एक एक करके इन विशाल पत्थरों को अपनी राह से हटाते हुए आगे बढ़ना है। बस वाली भैया, इतनी सी बात, लो अभी लो। ठहरो, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? पहले प्रतियोगिता के सभी नियमों को तो जान लो। सुनो, ठीक है वाली भैया, इन सारे पत्थरों को हटाने के उपरांत हमें क्या करना होगा? वही तो बता रहा हूँ, ध्यान से श्रवण करो। आप बताओगे नहीं तो मारुति श्रवण कैसे करेगा? तुम मुझे बोलने का अवसर दोगे तभी तो मैं कुछ आगे बता पाऊंगा ना। मारुति तो कब से आपके बोलने की प्रतीक्षा कर रहा है वाली भैया। सुनो, इन पत्थरों को यहाँ से हटाने के पश्चात तुम्हें वो उस बड़ी वाली चट्टान को अपने मार्ग से हटाना होगा। इतनी बड़ी चट्टान, बस वाली भैया, मारुति सब समझ गया। इस बड़ी चट्टान को हटाने के पश्चात हमें इससे भी बड़ी चट्टान को हटाना होगा, और उसके उपरांत हमें उससे भी बड़ी चट्टान को हटाना होगा। आप इस बेहवान मन को चट्टान विहीन कर देना चाहते हैं, है ना वाली भैया? नहीं, इस बड़ी वाली चट्टान को हटाने के पश्चात तुम्हें किसी चट्टान को हटाना नहीं होगा। तो वाली भैया, इसके उपरांत हमें क्या करना होगा? उसके उपरांत केसरी नंदन, तुम्हें मेरा भोजन बनना होगा। तुम्हारे और मेरे मध्य बस अब ये एक चट्टान की ही दूरी है। आजा केसरी नंदन, शीघ्र। सुनो, उस बड़ी चट्टान को हटाने के पश्चात तुम्हें एक कंदरा दिखाई देगी।
उस कंदरा को पार कर तुम्हें उसकी दूसरी ओर से इस लटकते हुए अंग वस्त्र को वापस ले आना होगा। अच्छा, तो फिर प्रतियोगिता कब होगी वाली भैया? यही तो प्रतियोगिता है। जो इस अंग वस्त्र को सर्वप्रथम वहां से ले आएगा, आज की प्रतियोगिता का विजेता वही होगा। बस वाली भैया, क्या यही प्रतियोगिता है? माँ के दिए हुए अंग वस्त्र को पुनः पाने के लिए मारुति को बस इतना ही प्रयास करना होगा। पहले इस अंग वस्त्र तक पहुँच कर तो दिखाओ, फिर देखते हैं। प्रमाणित हो जाएगा कि किस में कितना बल है। नील ही विजय होगा, देखते हैं। इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय मोर माइथो टीवी कॉन्टेंट लाइक दिस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। स्टे कनेक्टेड विद अस फॉर मोर इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग वीडियोज।